अभी मैं ये कीमा बना रही हूँ, तो अभी मैं इसको रखूंगी फ्रिज। ये वाला नेस्ले का मिल्क मेड है ये। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो आज फर्स्ट रोज़ा है, बहुत सारे लोगों ने नहीं भी रखा है, हमने रखा है। कश्मीर में लगभग सब ने रखा है शायद। तो सबके रोज़ा कैसे जा रहा है बताइएगा कमेंट्स में। और वीडियो को आगे बढ़ने से पहले, मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो फर्स्ट रोज़ा, फर्स्ट वीडियो बना रही हूँ मैं। इंशाल्लाह 30 के 30 रमज़ान सब ठीक रहा तो मैं बनाऊँगी। और आप लोगों को किसी ने लिखा था कि मज़ा नहीं आता व्लॉग में, क्योंकि मैं घर में हूँ, घर में काम चल रहा रही होगी। और ये शायद देखा ही होगा आपने, मेरे घर में मेरे बगैर कोई है नहीं, इसीलिए मुझे खुद ही देखना पड़ता है। घर में काम लगाया है तो खुद देखती हूँ, नहीं तो हस्बैंड ऑफिस जाते हैं या तो फिर वो ऑफिस नहीं जाएंगे, वो देखेंगे, नहीं तो मुझे देखना है। बाकी तो वही है, क्या बोलूँ, कुछ बोलूँगी नहीं। इसको खामा करवा रही हूँ, आज ये पिलर बनवाने हैं। फिर से वही गंद पड़ गया, ये बाग बनवाया था ये भी खराब हो गया। फ्रेंड्स तो हमारी मेरी नमाज होगी, अब मैं ये करूंगी बेजल सीड्स, ये बबरी भिगो दूंगी। जब तक आबिश भी आ जाएगी फिर उसको लाऊंगी बाहर, गाड़ी वाला छोड़ेगा वहीं से। ये 1 टीस्पून इसमें भिगो देंगे। इसको रख देंगे हम, फिर क्या बनाएंगे। अभी मैं ये कीमा बना रही हूँ, इस वक्त देखिए इसमें मैंने मीट डाल दिया है। अब ऐसे आप मत करो, जान लग जाएगी आपको। तो इसमें पावर की भी जरूरत नहीं है, हाथों की मेहनत की जरूरत है और कीमा निकल आएगा। इसको बस पकड़ के रखो आप। ठीक है। और मेरे बेबी ने आए रोजा रखा है, इसके लिए बहुत सारी दुआ। मेरी बेटी पढ़ लिख के बड़ी अफिसर बने और इसे अल्लाह सेहत दे, इज्जत दे। ये देखिए कीमा हो गया, अब मैं इसमें डालूंगी ये धनिया, ये है जीरा पाउडर और गरम मसाला 1/1। ये देखिए कीमा अच्छे से इसमें मसाले भी मिक्स हो गए, अब मैं इसको इसमें रखूंगी। अब जितना यूज होगा बाकी फ्रिज में रखेंगे। तो अभी मैं
मैं इसको रखूंगी फ्रिज में, पहले मैं जाऊंगी तंदूर जलाने। और ये वाली मशीन दो दी मैंने, देखिए अब मैं इसको बंद कर दूंगी। और मेरे बेबी को बहुत ही रोजा लग गया मेरी जान है ना, मेरे सोने मम्मा के लिए दुआ करो। हाँ आप बात क्यों नहीं कर रही है? अब उसको कैसे बंद करते थे? इसकी चाबी मुझे इंजीनियर और बनाएंगे, अभी फ्री नहीं बनाएंगे, फिर शरबत बनाएंगे, शीर कोरमा। ओह तुम्हें शीर कोरमा खाना है? क्यों सेवैया खाओ? सेवैया को ही तो बोलते हैं शीर कोरमा। फ्री नहीं? नहीं शीर कोरमा फिर नहीं बोलते हैं, शीर कोरमा खाना। ओके चलो ठीक है, हटो मैं ये रखूंगी स्टोर में। ये मैंने कढ़ाई रख दी है, ये सेवैया मैं फ्राई करूंगी इसमें। सबसे पहले इसमें डालूंगी ये, देखिए इतना टीस्पून डालने की, एक काजू और किशमिश को थोड़ा हल्का चाटी करेंगे। देखिए ये हो रहा है, हल्का हल्का फ्राई हो जाएगा, इसको निकालेंगे। फिर इसी में सेवैया भी फ्राई करेंगे। और मैंने साथ में दूध भी रख दिया है गर्म होने के लिए, जब तक वो गर्म हो जाएगा। देखिए ये मैंने निकाल दी फ्राई करके ड्राई की, अब मैं इसमें डालूंगी सेवैया जिसको हल्का फ्राई करेंगे। जलाना नहीं है सिर्फ फ्राई करना है, और ये बहुत जल्दी फ्राई हो जाती है। ये ना सबसे पहले जल जाए, पहले इसकी फ्लेम बंद कर देनी चाहिए। और ये प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, बाहर का बेचारा वो अम्मा कर रहे हैं इसीलिए आपको आवाज़ आ रही है। देखिए इतनी फ्राई कर दी मैंने, बस हल्का ब्राउन करना है इसको। अब जब तक दूध बॉईल हो जाएगा तो फिर हम इसमें डालेंगे, अब गैस की फ्लेम कर देंगे बंद। और मेरा इस लगा दूंगी लाइट आ गई। देखिए दूध गर्म हो गया है, बॉईल हो गया है। अब मैं इसमें ये सेवैया डालूंगी जो फ्राई करके रखी थी, इसको अच्छे से सारी डालनी है, कोई भी चीज जाया नहीं करनी चाहिए, अल्लाह मेरे नाराज हो जाए। देखिए अब मैं इसमें डालूंगी मिल्क मेड, 1 टेबलस्पून है, 1 टीस्पून नहीं है।
इससे इसको अच्छा सा टेस्ट आता है। देखिए ये डाल दिया तक। तो अब मैं इसमें ये ड्राई कुकीज फ्राई करके रखे थे मैं डालूंगी, और 1 टीस्पून डालूंगी मैं ये नारियल पिसा हुआ डालूंगी 1 स्पून। आगे मज़ेदार रेडी हो जाएगा, थोड़ा पकने देंगे फिर इसको। आपको फ्रिज वाला खाना है कि ऐसे नॉर्मल? फ्रिज में नॉर्मल। तब मैं राइस लगाती हूँ। अब ये रेडी हो गया है तो इसको मैं बाउल्स में डाल के रख दूंगी, ये ठंडा हो जाएगा। तो ये थोड़े से काजू ऊपर से डालेंगे, ये 2 रखेंगे इधरी और 1 रखेंगे फ्रिज में। मेरे हस्बैंड को ठंडा खाना होता है। इनको रखेंगे नॉर्मल टेम्परेचर पे हो जाएंगे। तो अभी ये मैं शरबत बना रही हूँ, इसमें डालेंगे 1 चम्मच। और मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच शुगर। मुझे ना हेडेक बहुत ज्यादा हो रहा है, अब पता नहीं मैं आगे शूट कर पाऊंगी कि नहीं। तो जो भी शूट हुआ है प्लीज इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर कीजिएगा, और मेरे लिए दुआ कीजिएगा। थैंक यू।